फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें गर्मी के मौसम में अपनी स्किन की केयर कैसे करना चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हमारी स्किन बहुत जल सी जाती है, बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है और बहुत ज़्यादा कहीं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पसीने की वजह से। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, उनसे आप अपनी सुरक्षा थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें गर्मियों के दिनों में किस कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना चाहिए। जितना हो सके गर्मी के दिनों में आप लाइट कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करें, जैसे व्हाइट है, लाइट ब्लू है, लाइट पिंक है, लाइट येलो है, लाइट ग्रीन है। मतलब कोई भी अगर आप कपड़े खरीदते हैं या पहनते हैं तो उनमें से वो लाइट कलर के होना चाहिए, क्योंकि लाइट कलर के कपड़ों में गर्मी हमें कम लगती है, क्योंकि जो जो हमारे सन लाइट होती है वो कपड़ों में वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर वहीं पर हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो डार्क कलर के कपड़ों में लाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, जिस वजह से हमें गर्मी बहुत लगती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप लाइट कलर के कपड़ों का ही चुनाव करें। अब हम बात करते हैं कि हम किस फैब्रिक के कपड़े पहने। तो गर्मी के दिनों में अब जितना ज्यादा हो सके आप कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि कॉटन के कपड़े सबसे पहली बात तो ये जो हमारे अंदर से जो पसीना निकलता है उसको सोख लेता है, और अगर सोख लेता है तो गीले होने के बाद ये जल्दी से जल्दी सूख भी जाता है। तो इस वजह से हमारी स्किन पर इसकी डिजीज नहीं होती है, जैसे कि पसीने की वजह से इचिंग होना या फिर छोटी छोटी जो फुंसियां निकल आती हैं या घमोरियां हो जाती हैं, वो सब स्वेटिंग के कारण होती है, गर्मी के कारण होती हैं। अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो हमारे पसीने को अच्छी तरह से सोख लेता है वो, और जिससे हमारी स्किन ड्राई रहती है। और जैसे ही हवा लगती है वो कॉटन का कपड़ा पूरी तरह से सूख जाता है, यानी कि ड्राई हो जाता है। और जब ड्राई होता है तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हमें कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो इस वजह से हमें गर्मी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कॉटन के कपड़े ही पहनना चाहिए। नेक्स्ट है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें अपने फेस को पूरी तरह से स्कार्फ से कवर कर लें। और अगर आपको कवर करना नहीं आता तो मैं बता देती हूँ कि स्कार्फ से आप अपनी स्किन को, अपने फेस को कैसे कवर करें। तो मैंने ये अपना व्हाइट कलर का दुपट्टा ले लिया जो कि प्योर कॉटन है, और इससे हम अपने फेस को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। फेस को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद आपकी जो आईज बचेंगी आप अपनी आंखों में सनग्लास का इस्तेमाल करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी के दिनों में हमें बहुत स्मॉल, बहुत शॉर्ट कपड़े पहनना चाहिए या पूरे फुल ढके हुए कपड़े पहनना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमें गर्मी बहुत लगती है, इस वजह से हम ऑफ शोल्डर्स हैं या फिर स्लीवलेस कपड़े पहनते हैं या फिर शॉर्ट पहनते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर ये सब हम पहन के बाहर निकलते हैं तो उतनी ही सनलाइट हमारी हमारी स्किन को टच करती है, और हमारी स्किन फुल धूप की वजह से पूरी टैन हो जाती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये होता है। तो आपने कभी देखा होगा कि जितने में हमारी स्लीव रहती है, जितने हमारा पोर्शन, जितना कवर रहता है स्किन का, वो उसका कलर डिफरेंट होता है, और जितना ओपन कवर, ओपन पोर्शन होता है उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इससे बचें, कभी भी गर्मी के दिनों में आप बाहर निकलें या धूप में बाहर निकलें तो आप इस चीज को जरूर अपने माइंड में रखना कि आपको फुल स्लीव के कपड़े पहनना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके फुल स्लीव के कपड़े पहने, अगर जरूरत नहीं है तो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें गर्मी बहुत लगेगी, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अगर आप फुल स्लीव के कपड़े पहने तो उसमें भी फैब्रिक कॉटन का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉटन का होना चाहिए या फिर कॉटन मिक्स होना चाहिए, और लाइट कलर के कपड़े होना चाहिए और पतले कपड़े होना चाहिए, बहुत ज्यादा थिक फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको गर्मी के दिनों में जरूर राहत मिलेगी। और अब मैं बताती हूँ कि गर्मी में, अब मैं आपको बताती हूँ कि गर्मियों में आप घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, आप सनस्क्रीन जरूर लगाइए। आप घर, अगर आपको लगता है कि घर में सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए तो वैसे तो हर मौसम में लगाना चाहिए सनस्क्रीन, लेकिन गर्मी के दिनों में मस्ट है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा धूप लगती है, स्किन टैन हो जाती है। तो
तब भी हम अगर स्क्रीन सनस्क्रीन लगाते हैं उसके बावजूद भी हमारी स्किन टैन हो सकती है, लेकिन कुछ तो बचेगी ना, इसलिए आप जितना हो सके आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, फुल बॉडी में सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, वो हमारी स्किन को, वो हमारी जो भी सन टैन से, धूप से हमारी स्किन को बचाएगा। इसके अलावा हम थोड़ा सा जाते हैं डाइट की तरफ, जितना हो सके आप लस्सी, जूस, शरबत या फिर पानी पीजिए, जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि लस्सी हमारी जो भी, जब हम लस्सी पीते हैं तो हमारे, हमें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ठंडा फील होता है, तो आप लस्सी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, सादा पानी भी पीजिए, उसके अलावा आप दही भी खा सकते हैं, तो जितना हो सके आप इस तरह की चीजें जो होती हैं वो आप गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। हैं ये जो लिक्विड्स होते हैं, जो लिक्विड्स मैंने आपको बताया, ये हमारे बॉडी को अंदर से बहुत ही कूल रखेंगे और जिससे हमें गर्मी कम लगेगी। ओके, और जितना ज्यादा हो सके आप 7 से 8, 8 से 10 लीटर पानी पूरे दिन में पीजिए, क्योंकि 8 से 10 लीटर पानी अगर आप घर पर हैं तो आप जरूर पी सकते हैं, बाहर हैं तो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके आप पानी पीजिए, जो कि हमारी स्किन को, क्योंकि पसीने की वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो धीरे धीरे करके हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, जिस वजह से हमें पानी की कमी भी हो सकती है, इस वजह से जितना ज्यादा हो सके आप सादा पानी भी पीजिए। तो मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स वाटर जो मैंने आपको बताया था वो गर्मी में आप जितना ज्यादा हो सके पीजिए, आप पूरा दिन अगर घर पे हैं तो पूरा दिन पीजिए, वो आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को बहुत ही स्वस्थ करेगा, बहुत ही हेल्दी बनाएगा। तो गर्मी के दिनों में ये जितने भी चीजें, ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको करना ही करना चाहिए, इससे आप अपने आप को, अपनी स्किन को पूरी तरह से गर्मियों से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी न्यू टिप्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।